अब कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। कॉट थीटा में क्या हो गया? अभी हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा जो फंक्शन है वो उन सब जगह डिफाइंड होगा जहां पर साइन थीटा जीरो नहीं होगा, ठीक है? कॉट थीटा इज डिफाइंड एट ऑल प्लेसेस वेयर साइन थीटा इज नॉट जीरो। अब साइन थीटा जीरो कहां पर होगा? हमें पता है साइन थीटा जीरो पे जीरो होता है, पाई पे जीरो होता है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है? जो साइन फंक्शन है वो जीरो हो जाता है। तो क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इस तरह से समझेंगे टेन थीटा यहाँ पे जीरो था, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इनफिनिटी, ठीक है? तो कॉट थीटा का जो फंक्शन है इट विल कम फ्रॉम इनफिनिटी, राइट? और पाई बाय टू तक आते हैं अभी, क्योंकि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जा रही है एंड वन अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, ये जीरो हो जाएगा, तो ग्राफ इस प्रकार से आएगा। जैसे ही पाई बाय टू को क्रॉस करेगा क्वाड्रेंट चेंज होगा, और क्वाड्रेंट चेंज होने की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट रेशियो क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव होने की वजह से ये वैल्यू हमारी इस प्रकार से फिर से इंफिनिटी चली जाएगी बाय द टाइम द एंगल रीचेस पाई। पाई के आते आते ये माइनस इंफिनिटी पर पहुंच जाएगी, डिनोमिनेटर में क्या साइन थीटा रेशियो। अब जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंचेगा एंगल आगे बढ़ेगा पाई से आगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे जो कॉट रेशियो है वो पॉजिटिव होती है, द एंगल विल अगेन स्टार्ट अप्रोचिंग फ्रॉम द वैल्यू विल स्टार्ट अप्रोचिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड सो स्टार्ट रिड्यूसिंग एज द एंगल increases and come to zero by the time it reaches 3 pi by 2। 3 pi by 2 पे sin theta zero हो जाता है, उसके cot theta की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, और जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, इसलिए कंटिन्यू इंफिनिटी पहुंच जाएगा 2 pi तक। तो जो ब्लू वाला ग्राफ है ये क्वाड वाला ग्राफ है, और जो रेड वाला ग्राफ है वो टेन वाला ग्राफ है। तो बिहेवियर इज क्वाइट सिमिलर टेन का और कॉट का, थोड़ा वैल्यूज का फर्क है। तो हम ये देखते हैं कि व्हाट ऑल वैल्यूज कॉट थीटा कैन टेक, मतलब कॉट थीटा इज डिफाइंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ थीटा, दैट इज डोमेन, डोमेन ऑफ कॉट थीटा इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, दैट इज एन पाई, हियर एन बिलोंग्स टू पाई। ये सारे एंगल्स हमें छोड़ दी जाए, ये वाले एंगल कॉस थीटा मतलब नहीं लेगा, बाकी सारे कोई भी एंगल ये ले सकते। इस प्रकार से कॉट थीटा का हम डोमेन को डिफाइन कर, और इसकी रेंज क्या हो, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ जाएगा? अगेन द वैल्यू गोज फ्रॉम माइनस एन प्लस। All values from real numbers, it can result in its range is all real numbers. सारे real numbers ये दे सकते। इस प्रकार से domain और range हमने एंटर किया।